अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरेन चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी जो वीडियो से आप तक पहुंच सके। सेवरेन, आज हम बात करेंगे, यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, आपको नीचे टाइटल देख लीजिएगा कि हम करंट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि जॉब्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें कुछ नेगेटिव, हमें यहाँ पर कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स वगैरह नहीं है, और उसके बाद बाकी कंट्रीज के मुतालिक भी, तो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखें, सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेवरेन, देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपने से स्टार्ट कर देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर घर में मेरे साथ 3-4 और मतलब और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ मिलकर हम रहते हैं, तो उसमें दो स्टूडेंट जो हैं वो अभी नए आए हैं, तो अराउंड देखे वो 2 मंथ से वो अभी घर में बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, और वो मतलब जॉब्स वगैरह भी फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो 2 मंथ से वो देखे घर बैठे हुए हैं। तो अब इसका देखें हमारे लिए जो मेन कारण, जो मेन रीज़न वगैरह होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था आपका ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रखती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास मतलब एक किस्म का आप समझे आप लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ड्राइविंग लाइसेंस में देखिए अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग को यहाँ पर जॉब्स भी मिल सकती हैं, और आप लोग के पास यहाँ पर आप लोग जो ऑस्ट्रेलिया का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप लोग एक फास्ट ट्रैक से आप लोग उसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ऑस्ट्रेलिया का जो लाइसेंस होता है, उसमें सबसे पहले एक लर्नर होता है, फिर रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, फिर उसके बाद आगे सोन आपको मतलब जो है फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप लोग अपनी कंट्री से आते हैं तो प्लीज़ खुदा रहे आप लोग कोशिश करें, आप लोग अपने साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, आपका जो अगर 3 ईयर्स पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है उसको साथ लेके आएँ, क्योंकि जब आप लोग के पास वो होगा उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा, और आपको जब आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं कि जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पॉजिटिविटी हर चीज़ होता है, लेकिन उसमें क्या मेंशन किया जाता है कि आप लोग के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि देखिए वो ये चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पर आपको जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, पहले ही बता दूँ, और उसके बाद बाकी ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस पुराना होगा आप लोग अपने साथ लेके आए उसको, ताकि यहाँ पर आपको जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी मिल सके, और उसके बाद आपको जॉब्स भी यहाँ पर फिर मिलेंगी जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो गई। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आप लोग कैनेडा में होंगे, यूके में, अमेरिका में, किसी भी कंट्री में हो गए, वहाँ पर ये ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो कहते हैं कि जॉब्स वगैरह नहीं है, मतलब मैंने कुछ ऐसी नेगेटिव वीडियोस भी देखी, लेकिन उनको मैं सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत उम्मीदें लेके फॉरेन कंट्रीज के लिए अप्लाई करते हैं और मेहनत करते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ नेगेटिव वीडियोस कोशिश करें मत बनाएं, उनके लिए पॉजिटिविटी अख्तियार करें, और उसके लिए मतलब कुछ सोल्यूशन निकालें कि अगर एक नेगेटिव चीज़ है उसको हम किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, ये आप लोगों ने करना है, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लड़के यहाँ पर उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, उनके लिए कंस्ट्रक्शन जॉब्स अवेलेबल है, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर कुछ जब वेदर कंडीशन थोड़ा बहुत अगर एक आध दिन ऑफ हो जाता है, लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पर 5-6 डेज जो है कंस्ट्रक्शन वर्क एक प्रॉपर तरीके से होता है, जिसमें आप लोगों का इसमें स्कैफोल्ड जॉब्स भी होती हैं, ब्रेकलिंग जॉब होती हैं, उसके बाद रेंडरिंग जॉब्स वगैरह होती हैं, और भी मतलब कंस्ट्रक्शन में जो जो फील्ड है वो सारी जॉब्स आपको मिल सकती हैं, जब आप लोग के पास आईटी कार्ड एक होता है, वाइट कार्ड आप लोग के पास होगा, वाइट कार्ड मैंने आप लोग को बताया भी था, यहाँ पर आप लोग उसके लिए एक मतलब एकेडमी होती है, आप लोग जो एकेडमी तकरीबन अराउंड 8 और 9 और की मतलब एकेडमी होती है वो आप लोगों ने अटेंड करनी होती है, उसके बाद आप लोग का एक एमसीक्यूज का एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो आप लोग को टेस्ट देते हैं, उसके बाद 1 वीक बाद आपको वाइट कार्ड मिल जाता है। तो वाइट कार्ड का ये रीज़न है, एक कार्ड टाइप होता है, जब आप लोग को वो मिल जाता है इसका मतलब आप लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन की जॉब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिस तरह मेलबर्न हो गया, सबसे ज़्यादा जॉब्स मेलबर्न में हैं, और उसके बाद बाकी कंट्रीज में, बाकी जो सॉरी स्टेट्स वगैरह में वहाँ पर भी हैं, लेकिन मेलबर्न में सबसे ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप लोग कंस्ट्रक्शन जॉब्स भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स है, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें, ये मैं आपको बता दूँ, ये आप लोगों ने नहीं करना, आप लोग जॉब के लिए चले जाएँ, आप लोग कहें कि एक दिन कर लिया तो बस ये हार्ड है, देखें जब आप लोग को पैसों की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अपना फीस को मैनेज करना है, रेंट को मैनेज करना है, उसके बाद अपने फूड को मैनेज करना है, जब आप ये सारी चीज़ें मैनेज तभी कर सकेंगे जब आप लोग यहाँ पर हार्ड जॉब स्टार्ट में करेंगे। देखिए विथ हार्डशिप्स कम एज, ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि हर मुश्किल के साथ देखे आसानी होती है,
तो और ये आप लोग को मैंने क्लियर बता दिए कि जब आप लोग डिफिकल्टीज को फेस करेंगे उसके बाद ही आप लोग के लिए जो इजी रास्ता है सब कुछ क्लियर होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जॉब तो यहाँ पर है, आप लोग इसकी टेंशन मत लें। बस ये है कि जो आप लोग यहाँ पर आते हैं डायग्नोसिस अपने साथ लेके आए, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैंने खुद देखे हैं रेस्टोरेंट्स में, कि जब एक जाता है मतलब जॉब के लिए 5-6-10 ऑलरेडी खड़े होते हैं वहाँ पर जॉब्स के लेके, हमें भी भाई जॉब दे दे, हमें भी जॉब दे दे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस तो उनके पास नहीं आता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी आप लोगों ने साथ लेके आनी। कंस्ट्रक्शन जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद बाकी अगर कोई जेसी वगैरह शॉप्स वगैरह होती हैं यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी की, वहाँ पर भी मतलब पॉसिबिलिटीज होती हैं जॉब्स की। लेकिन अगर आपको फॉरन जो सॉरी ब्रिटिश वगैरह लोग जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन में वाइट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो करंट सिनेरियो के बारे में यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स हैं अगर आप लोग करना चाहें, और उसके साथ अगर आप लोग के पास ये चीज़ें मैंने आपको बता दिए होंगी, वाइट कार्ड जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप लोग को एक दिन की अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, और उसके बाद बाकी आप लोगों ने मेन चीज़ यही आप लोगों ने मेहनत करनी है। अगर मेहनत करेंगे तो फिर ही आप लोग यहाँ पर डॉलर्स कमा सकते हैं, वरना आप एक डॉलर के एक सेंट भी नहीं कमा सकता इंसान अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर ये कंट्री जो है मतलब कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई कंट्री है, तो आप लोग यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने आपके साथ यही बताना था, यही शेयर करना था कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है अगर आप लोग करना चाहें उसे। तो बस आज की वीडियो आ सकती है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।